बहुत अच्छी सी है स्टॉर्म. नो दिस इज जेरी राइट. जब भी मैं रेड और ग्रीन देखती हूँ तो मुझे लगता है क्रिसमस. प्लास्टिक में डाल लेती हूँ. आई हैव अ टाइग्रेस एंड यू कैन पुल इट. है संडे और मैंने और अरिंदम ने डिसाइड किया कि हम खाएंगे हिल्सा फ्राई. उस दिन मॉम एंड डैड के घर पे गए थे तो मैंने पहली बार जिंदगी में हिल्सा फ्राई खाया हुआ था. उसके पहले मैं हमेशा मस्टर्ड सीड की करी के साथ हिल्सा खाया हुआ था. मैंने फ्राई कभी भी नहीं खाया हुआ था. सो मुझे बहुत पसंद आया वो. तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्राई करके खाने वाली हूँ. so, इसीलिए इधर मैंने हल्दी और नमक ले लिया है और इसमें सिर्फ इस तरह से चारों तरफ लगा देना है इसको और इसको बस फ्राई करना है. सरसों का तेल गरम हो रहा है. so, अभी मैं इसको बस फ्राई कर लूंगी. बस पूरी किचन की हालत खराब. ओके काम डा. तीन ही फ्राई करती हूँ. एक रख दूंगी रात को खाएंगे क्योंकि अरिंदम बस पीछे का जो अंडे है और ये वाली एरिया है पीछे की वो खाएगा और मैं ऊपर के खाऊंगी. दिस इज गेटिंग फ्राइड. ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. सरसों के तेल में फ्राई किया है क्योंकि हम जो सरसों का तेल है उसे भी हम खाएंगे. सो दिस लुक्स डन टू मी. व्हाट डू यू थिंक? आई होप इट्स प्रॉपरली फ्राइड. मैंने कभी भी पहले फ्राई नहीं किया हुआ है तो पता नहीं चल रहा है. किचन की हालत देखिए. जस्ट फिश फ्राई एंड इट्स ऑल ओवर द गैस स्टोव. नाइस. ये रेडी हो गया है. आई होप ज्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए. अब मैं सर्व करूंगी. ये अरिंदम का प्लेट. थोड़ा सा चाहिए होगा हमें नमक. बहुत ज्यादा शायद हो गया. तो इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा तेल. इसके ऊपर भी डाल देते थोड़ा सा तेल. हिल्सा फ्राइड एंड दिस इज इट. सो दिस इज आवर लंच. गरम गरम हिल्सा फ्राइड एंड चावल. सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है सामान. एंड मेरे साथ साथ ऑल्डी भी आ गई है टू एंटरटेन यू गाइस. ऑल्डी सेट गुड गर्ल. से हेलो. हेलो एवरीवन. उसको बस ये डब्बे चाहिए. नो गुड गर्ल. बी अ गुड गर्ल. छोड़ो 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 छोड़ो. और लेट मी ग्रैब अ पेयर ऑफ सिजर्स फिर मैं आपको दिखाती हूँ. लेट मी क्विकली गो अहेड एंड शो यू द थिंग्स दैट आई गॉट. सो दिस इज फ्रॉम ठेला गाड़ी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पैकेजिंग एज यू कैन सी. बहुत अच्छी सी है. 90s की थीम है. Here, as you can see, I got some socks actually. I fancy
सॉक्स अ लॉट। मुझे बहुत पसंद है वो भी। तो ये दो सॉक्स मैंने लिए हैं, सॉक्स मैंने चार लिए हैं, छह लिए हैं। सो दिस इज पेन नंबर 1। वेरी नाइस। आपको दिखा नहीं सकती। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे दिखाने नहीं देगी। शी इज सो नॉटी। तो ये फर्स्ट पेयर है, एज यू कैन सी दिस इज टॉम एंड जेरी का। दिस इज जेरी ऑफ कोर्स, नहीं दिस इज टॉम, नो दिस इज जेरी, राइट। सो दिस इज जेरी। डू लीव इट, लीव इट ओल्लू, गुड गर्ल, सिट सिट, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर। एक्चुअली सॉक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठंडी का मौसम है और ठंड में ना मुझे कुछ भी नहीं लगता, मुझे स्वेटर्स जैकेट्स नहीं चाहिए, बट आई वॉन्ट सॉक्स। अगर सॉक्स हो जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके डार्क बे, एक टू जाओ डैडी रख से, जाओ डैडी। एनीवे, सो दिस इज अनदर पेयर, दिस इज टॉम, एज यू कैन सी हियर। ज्यादा नहीं दिखा सकती, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो और एनीथिंग, बस मैंने लिया है और मैं चाहती थी जिन लोगों को सॉक्स पसंद है मेरे तरह वो ले। मैंने चार लिए है, वेरी नाइस। जो पैकेजिंग है बहुत ज्यादा अच्छी है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अ क्रिसमस थीम्ड है। यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, यहाँ पे बेयर है, यहाँ पे कुछ और है। लेट मी ओपन एंड शो इट टू यू। दिस इज अ क्यूट लिटिल सॉक्स, सेम है, ये बार बार आ रही है, जा रही है। This is I don't know what this is, but हाँ, these are ankle socks, right? ये कुछ है, this is another one, nice. उधर अरिंदम distract करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उधर चले जाए। She's growing up ना, बड़ी हो रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, बस झपांग लगाना है इसको। एंड दिस इज अनदर वन, नाइस। ये क्रिसमस थीम्ड है कि नहीं पता नहीं, पर जब भी मैं रेड और ग्रीन देखती हूँ तो मुझे लगता है क्रिसमस क्रिसमस ऐसे। तो बहुत अच्छी सी पैकेजिंग है, क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और सो दिस इज समथिंग दैट आई गॉट। मोजे लिए है मेरी ठंडियों के लिए। उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, मैं जनरली डब्बे रखती नहीं हूँ, फेंक देती हूँ डब्बे, पर इसकी पैकेजिंग देखिए, 90s की थीम और बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा फ्रिज, यू नो, वेरी नाइस। रिसेंटली ना मैं ट्रैवल करने वाली हूँ बहुत जल्द, ऐसे स्पेसिफिकली ट्रैवल के लिए नहीं है, दिस इज हेल्पफुल फॉर डे टू डे यूज। जब आप ट्रैवल करते हो तो शूज आप लेकर जाते हो, और शूज आप जनरली, मैं कैसे लेकर जाती हूँ, मैं एक प्लास्टिक में डाल लेती हूँ, आई डोंट हैव बैग्स और एनीथिंग। और यहाँ पे जो मेरा शू कैबिनेट है, शूज बढ़ रहे हैं, और जो अच्छे शूज है आप क्या करते हो, जनरली डब्बे के अंदर भर के रख देते हो। सो शूज बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और कैबिनेट में जो साइज है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए ना मैंने ये लिया है 100% ऑर्गेनिक कॉटन शू बैग्स। इसका जो है हेक्साफन है इसका नाम, जो वेबसाइट से मैंने लिया है, ये आप देख पा रहे हो, राइट, हेक्साफन। सो एक डब्बा है, ये बेसिकली शू बैग्स है, के अंदर। और यहाँ पे आपको मिल रहा है ये क्यूट से शू बैग, अच्छे है ना, सी, इसके अंदर आप रख सकते हो। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट नेट लगाया हुआ है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी क्या शू है विदाउट ओपनिंग दिस थिंग। आप अपना शूज डाले अंदर एंड देन यू कैन जस्ट पुल इट लाइक दैट, राइट। सो ये है शू बैग्स मैंने लिए हुए हैं, वॉशेबल है सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। मैं क्या आप लोगों से बात करूंगी, मेरे नसीब में और शांति से बैठ के बात करना नहीं है, बिकॉज आई हैव अ टाइग्रेस मेरे घर पे,
जो कुदम खुदाई करती रहती है. दिस इज अनदर वन. बहुत अच्छी सी प्रिंट है और यहाँ पे फिर से वही. और दिस इज थर्ड वन. तीन लिए हैं मैंने सेट ऑफ थ्री. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट. ये इधर भी नेट है. दिस इज द प्रिंट एंड यू कैन पुल इट ऑफ कोर्स. सो ये है. और फिर मैंने ना अरिंदम ने आप लोगों ने देखा ही था मुझे एक लिप ग्लॉस दिया हुआ था. ओके शी इज प्लेइंग विद डैडी नाउ. ओके तो उस दिन ना मैंने बोला नहीं शी गॉट मी अ पिंक कलर वन. और पिंक ना मैं लगाती नहीं हूँ बिकॉज इंडियंस जनरली हैव पिगमेंटेड लिप्स. मेरे तो डेफिनेटली पिगमेंटेड है. सो इसीलिए ना मैंने फिर एक्सचेंज करवाया और फिर मैं लेकर आई हूँ दूसरी कलर इधर से उधर. मतलब आपने मेरा घर तो देखा ही है. दिस इज द सोफा एंड स्ट्रेट इज आवर बेड. तो सोफा से जंप कर कूद कर वो उसमें कूदती है बेड पे दौड़ के जाके और फिर बेड से वो जंप करके यहाँ पे आके चढ़ती है स्पीड में वो भी. तो बहुत मेरी मुझे नहीं लगता ये सोफा की उम्र अभी बहुत ज़्यादा है. घट जाएगी कम हो जाएगी. सो दिस इज द लिप ग्लॉस दैट आई गॉट. आई चेंज इट वाज पिंक अर्लियर एंड आई चेंज इट टू दिख रहा है ना आपको नहीं दिख रहा होगा. एनीवे आई चेंज इट टू अ डिफरेंट कलर. वेरी नाइस कलर पिंक है. थोड़ा सा लिप्स में कलर आएगा पॉप ऑफ कलर. वरना जनरली क्या होता है पिंक लगाते हो तो इट्स ट्रांसपेरेंट. माय लिप्स आर पिगमेंटेड और फिर अच्छा नहीं लगता. तो लिप ग्लॉस और लिप बाम मैं ऐसे ही चूज करती हूँ जो कि थोड़ा सा कलर दे मेरे लिप्स को. नेचुरली तो पिंक है नहीं. तो यही सारी सामान थोड़ी बहुत ली है मैंने. ये शूज के बैग है. सारे शूज तो नहीं डालूंगी. इट हैज इनफ स्पेस फॉर टू शूज एक्चुअली. तो सारे तो नहीं डालूंगी. जो रेगुलर यूज करती हूँ वो नहीं डालूंगी. जैसे अच्छे वाले शूज है वो मैं इसमें डाल के रखूंगी. दिस इज द प्लान एंड ऑलवेज जस्ट स्टेयरिंग. तो अभी मैं जाती हूँ किचन में. एक्चुअली मुझे ज्यादा भूख नहीं है. यस आई विल ईट सम दूध कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी आज मैं. देखते हैं क्या खाती हूँ. अब पहले आप किचन में चलिए. किचन में आ गई हूँ मैं. थोड़ा सा सामान रखना था. ये मॉम ने ये दिया हुआ है ये भी मैं रख देती हूँ. थोड़ा सा ना ये मूंग दाल है जो मिलता है द स्टेट प्लेट से. सोना मूंग दाल बंगाली इसका है. ये लेकर आई थी परना. मतलब दो तीन पैकेट एक साथ ऑर्डर करती हूँ लेकिन कीड़े ना लग जाए इसीलिए मुझे फ्रीजर में रखना पड़ता है. और एक चीज जो मैंने खरीदा है एक बच्चे का फ्रॉक. इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल है ना. जस्ट किडिंग. ये बच्चे का नहीं है. ये मैं कहीं पे लटका के रखूंगी. ये हाथ पोछने के लिए है जब आप खाना बना रहे हो. इतना क्यूट है तो मैंने ले लिया. डार्क फैंटेसी का बिस्किट मंगवाया था थोड़ा सा ज्यादा. डार्क फैंटेसी मैं नहीं खाती. आता यार लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था तो बस एक ही डिलीवर करके गए. और ये ना सारे के सारे वो है जो ब्रास के बर्तन है. मैं आपको दिखाती हूँ. ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया था लेकिन इतना ज्यादा साफ हो गया. आप सोचेंगे कि ये भी तो गंदा ही है लेकिन नहीं इससे भी ज्यादा गंदा था. इसको मैंने अभी एक मॉम ने एक वो दिया है पाउडर. इससे काफी ज्यादा अच्छा साफ हो जाता है. जब भरूच गई थी ना मैं तभी लेकर आई. लेट मी शो यू.
पीताम्बरी शाइनिंग पाउडर। तो इससे ना अगर धोओगे आप, बेसिकली भगवान के बर्तन के लिए है ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए, और जेन्युइनली ये साफ होता भी है। थोड़े से गरम मसाला बना के रख। आप सबको बताया कि मैं गरम मसाला घर पे ही बनाती हूँ, मतलब बाहर का भी यूज करती हूँ पर होममेड भी बना के रखती हूँ। तो थोड़ा सा ये इलायची है, पहले थोड़ा सा होल रख देती हूँ ना अपने लिए, ये सारा है लेकिन थोड़ा सा, ये क्या है जीरा, ये थोड़ा सा सिनेमिन। मैं गरम मसाला में सिर्फ सिनेमिन और कार्डमम डालती हूँ और कुछ भी नहीं, ब्लेंड कर लेती हूँ। This is the secret. So just quarter teaspoon and your chicken and your curry is assorted. अरिंदम ने खुद ही खाना लेकर खा लिया है, मैंने खाना नहीं खाया। I'll have something else. और अभी हम गए थे थोड़ी सी सब्जी लेने, थोड़ी सी ग्रोसरी ली हमने, और that's it. That's it for today's vlog. I hope you guys enjoyed this video. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one. Until then, bye-bye and take care.